वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो सब कुछ, जितना भी डाउट है टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के, वो सारा का सारा डाउट आज की इस वीडियो में आपका खलास हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, डेडिकेटेड होकर इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं वादा करता हूं बहुत ही मजा आएगा और मजे के साथ साथ आपको नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना तो लगभग लोग जानते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल में या फिर अपर क्लासेस में या फिर कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनको पता होता है। लेकिन वॉइस होता क्या है, इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आज डेफिनेशन भी आप जान लीजिए। वॉइस इज वॉट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द एक्शन। यानी वॉइस वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, जो कि एक्शन को व्यक्त करते हैं, जो कि काम को व्यक्त करते हैं। ओके, उन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रिलेशन बताता है जो कि काम, जिनके द्वारा काम संपादित होता है, उन्हीं सब्जेक्ट और उन्हीं वर्ब के बीच में रिलेशन बताता है कि क्या रिलेशन है। ओके, अब ये जो रिलेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उसी के आधार पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बांटा गया है वॉइस को। बात समझ में आई, वॉइस क्या होता है, बात समझ में आई ना। वॉइस वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रिलेशन बताता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम संपादित होता है, यानी वर्ब और सब्जेक्ट में क्या रिलेशन है कि जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम के द्वारा मारने की क्रिया संपादित हो रही है, मारने की क्रिया की जा रही है, तो यहां पर ये हुआ एक्टिव वॉइस में। ओके, जैसे दो सेंटेंस यहां पर लिखा भी हुआ है, मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा, तो लिखने का काम जो है किसके द्वारा हुआ, मोहन के द्वारा। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इसी तरीके से सुहेल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सुहेल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो सुहेल इज रीडिंग यानी पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा, सुहेल के द्वारा, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहां पर ये जो है सुहेल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सुहेल अखबार पढ़ रहा है, ये भी है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, यानी सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम संपादित होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए दो सेंटेंस लिखा गया है, इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखा गया है, ए लेटर वॉज रिटन बाई मोहन, यहां पर जो है ए लेटर ये सब्जेक्ट है, वॉज रिटन इसको लिखा गया, सब्जेक्ट को लिखा गया। ओके, यानी लेटर को लिखा गया है किसके द्वारा, बाई मोहन, लेटर को मोहन के द्वारा लिखा गया है, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, तो यहां पर ये जो ए लेटर है ये लिखने का काम नहीं कर रहा है बल्कि मोहन के द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इसी तरीके से द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाई सुहेल, यानी न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड, पढ़ा जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है बाई सुहेल, सुहेल के द्वारा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है किसके द्वारा, सुहेल के द्वारा। तो बात समझ में आई, मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है और पैसिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। तो अब जबकि आपने ये जान लिया कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर क्या, यानी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करते हैं टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का। जब टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें टेंस आना चाहिए, यानी कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका पहचान क्या होती है और उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ग्रामर वाले सेक्शन में अपलोड कर रखा है, अगर आप
को टेंस में कोई भी डाउट है तो आकर आप जाकर आप वहां पर सारी वीडियो देख लीजिएगा, डेफिनेटली आप टेंस पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ध्यान ही रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंस के चार चार सब टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब होता है, यानी इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। डज कब लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन होता है तो डज लगाएंगे, अदरवाइज डू लगाएंगे। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम जाएंगे तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वहां पर लिखते हैं, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा। इज आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी ही सीट, और सिंगुलर नाउन आई के साथ एम लगेगा, इसके अलावा बाकी सबके साथ आर लगेगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगा। सिंगुलर नाउन के लिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही सी इट या सिंगुलर नाउन का कोई नेम हो गया तो हैज लगेगा, अदरवाइज हैव लगेगा प्लूरल नाउन के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब जाएंगे तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और आई के साथ भी हैव बीन ही लगता है। उसके बाद जब हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, पूरे टेंस में और पूरे ट्रांसलेशन में अगर कहीं पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है तो वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ लगेगा। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव जब हम बनाने लगेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम जाएंगे तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके साथ वाज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर जो लगेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम जाएंगे तो वहां भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हैड सबके साथ लगेगा, हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। इसके बाद जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो मेन वर्ब में आईएनजी लगता है और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके बाद जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज होगा, सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब हम जाएंगे तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी ये होता है, शैल बी और विल बी का यूज होगा, शैल बी आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल भी लगेगा। ओके, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम जाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव लगेगा, शैल हैव आई और वी के साथ लगेगा और बाकी सबके साथ हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होगा। इसके बाद जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये होता है यहां पर हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेंस चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद ही होना चाहिए कि किसका किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तभी आप क्लियर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस टेंस में देखिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है सब में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, और परफेक्ट टेंस में हर टेंस के परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो और चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चेंजिंग के रूल बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है वो 8 टेंस का ही बनता है। वैसे तो टेंस जो है कुल मिलाकर टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं जो अभी आपने चार्ट में देखा, लेकिन टोटल 8 टाइप के टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। किसका किसका नहीं बनता है जान लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 हो गए, और इसके अलावा फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये जब 4 निकल जाएंगे तो बचेंगे
आठ, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन आठ टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल तो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। ओके, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो इसलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जब कोई नाउन होगा तो नाउन में तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट वाला जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन लिखेंगे उसके पहले हम बाय लगा देंगे, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन में तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में इंटरचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही रहेगा तो जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसको बाई हिम लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट सी रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो बाई हर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अगर इट रहेगा सब्जेक्ट तो बाई इट लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। अगर सब्जेक्ट दे रहेगा एक्टिव वॉइस में तो बाई देम लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट की जगह बाय मी लिख देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट वी रहेगा तो बाय अस में चेंज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो बाय यू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ओके, इसके अलावा आपको सेकेंड रूल जो है वो ये ध्यान रखना है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं, तो बचा कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वाज बर। अगर इज एम आर वाज बर ये हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी दिख जाए तो उसके आगे आपको बीइंग जोड़ देना है। क्या कर देना है? बीइंग जोड़ देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा या जो लगेगा उसको तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ बीइंग भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, लेकिन और बाकी टेंस का क्या? और बाकी टेंस के लिए ये रूल है कि पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम बनाए मतलब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगला टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम हेल्पिंग वर्ब मतलब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे उसके अगले वाले टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बात समझ में आ रही ना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट का जो अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में लिख देंगे। बात समझ में आई? और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा हमेशा। देखिए, सब्जेक्ट की बात हो गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई और मेन वर्ब की बात हो गई। ओके, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ये तो क्लियर हो ही गया। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने में किन चीज़ों की जरूरत होती है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, यानी कुछ चेंज करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए मामला। तो देखिए, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है हरी टीचेस मोहन, ये है एक्टिव वॉइस में और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हरी मोहन को पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह पर। चलो भाई, ये हो गया मोहन सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? ये है असर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा टेंस है देख लीजिए, हरी टीचर्स, मेन वर्ब में अगर ईएस जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होते हैं, मोहन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगेगा तो हम यहां पर लगा दिए इज। चलिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, टीच, टीच मींस पढ़ाना, और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टाट। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं बाई लगाकर, बाई और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे हरी। ठीक है, देखिए मीनिंग चेंज नहीं हुआ, कान चाहे इधर से पकड़ो, कान चाहे उधर से पकड़ो, कान तो भैया पकड़ा ही गया, मतलब हरी टीचर्स मोहन, मोहन इज टॉट बाय हरी, मोहन हरी के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक ही बात हुई है ना, हरी टीचर्स मोहन यानी कि हरी मोहन को पढ़ाता है, और मोहन इज टॉट बाय हरी, मोहन हरी के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक ही बात हुई ना, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, वो एक्टिव वॉइस में है वो पैसिव वॉइस में है, सेंस दोनों का एक ही हुआ, बात समझ में आई। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट अब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, करना क्या है पैसिव वॉइस बनाना है, तो हिम को हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, है ना, हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर जब हम लिखेंगे तो हिम थोड़ी ना लिखेंगे, वो तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने वाला केस है, हिम का जो सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्ट की जगह पर लिखने वाला केस वो है ही, तो हम इसको ही लिख दिए। ओके, इसके बाद अब हमें लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो भैया ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, इज, एम, आर, तो भैया ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है इज, इज लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या चाहिए हमें, निगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट लगा है तो नॉट लगा दो, नॉट लगा दो भाई, निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब की नॉट लगा रहेगा। अब इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब जो कि है अब्यूज, और पैसिव वॉइस में हमेशा हाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे अब्यूज्ड, और उसके बाद अब हमें लिखना है बाई, और सब्जेक्ट को चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अब ये भी बताया था आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो लिख देंगे क्या मी, लो भैया हो गया है ना, आई डू नॉट अब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूं, ही इज नॉट अब्यूज्ड बाई मी, उसे मेरे द्वारा गाली नहीं दी जाती है, एक ही बात हुई। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, चलो भाई इसका भी पैसिव वॉइस हम बना लेते हैं, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, डिड द पोस्टमैन, देखो यहां पर डिड स्टार्टिंग में आ गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो हर टाइप के सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाना सीख रहे हैं, टेंस में हर टाइप के सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर टाइप के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, तो डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया तो पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा भाई, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेगा लेकिन पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो डिड किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में हम चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो वाज या तो वर, तो पहले ये पता कर लो डिड द पोस्टमैन, ये तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये है, ये पता कर लो कि हमें लिखना क्या है सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर हमें ये लिखना है द लेटर, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो द लेटर के साथ क्या लगेगा भाई, द लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, क्या पोस्टमैन ने चिट्ठी नहीं दी, तो चिट्ठी एक पत्र मतलब सिंगुलर नाउन है, इसके साथ लगा देंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा द लेटर, वाज द लेटर, फिर उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, होता है ना, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाई, और जो सब्जेक्ट है द पोस्टमैन उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन, अरे यार, अरे मामा चल जा, ये हो गया, ठीक है, तो डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, क्या पोस्टमैन ने चिट्ठी नहीं दी, तो वाज द लेटर नॉट गिवन बाय द पोस्टमैन, क्या चिट्ठी को पोस्टमैन के द्वारा नहीं दिया गया, बात समझ में आई। नेक्स्ट सेंटेंस है द लायन विल किल द काउ, यानी शेर गाय को मार डालेगा, शेर गाय को मार डालेगा, तो इसको हमें देखिए कौन से किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, द काउ, द काउ,
और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? देखिए विल है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का जो अगला टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है विल बी, विल बी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, किल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है द लायन उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे बाई द लायन, ठीक है। तो द लायन विल किल द काउ, यानी शेर गाय को मार डालेगा, इसको यानी कि पैसिव वॉइस हो गया, द काउ विल बी किल्ड, गाय मार डाली जाएगी बाय द लायन, शेर के द्वारा। एक ही बात हुई, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगला सेंटेंस है शी इज बीटिंग टॉम, वह टॉम को पीट रही है, वह टॉम को पीट रही है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखो टॉम, और उसके बाद देखिए अब यहां पर इज आ गया, तो रूल मैंने क्या बताया था इज एम आर वाज वर्ब, जहां भी ये हेल्पिंग वर्ब आए तो उसमें क्या करना है अगले टेंस का पैसिव वॉइस ना लिख करके इसी में बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग, ठीक है। तो टॉम इज बीइंग लिख देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा, बीट का थर्ड फॉर्म होता है भैया बीटन, बीटन। और उसके बाद बाई लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हर। तो ये हो जाएगा टॉम इज बीटिंग, टॉम इज बीइंग बीटन बाय हर, ओके। सी इज बीटिंग टॉम, वह टॉम को पीट रही है, तो टॉम इज बीटिंग, टॉम इज बीइंग बीटन बाय हर, यानी कि टॉम को उसके द्वारा पीटा जा रहा है। और देखिए अगला जो सेंटेंस है, ही वॉज नॉट बर्निंग द वेस्ट पेपर्स, मतलब वह बेस्ट पेपर्स बर्बाद या खराब कागज को नहीं जला रहा था। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द वेस्ट पेपर्स, क्या नहीं जला रहा था भाई, द वेस्ट पेपर्स को नहीं जला रहा था। तो आगे हम सब्जेक्ट लिख देंगे द वेस्ट पेपर्स, द वेस्ट पेपर्स, ओके, द वेस्ट पेपर्स। और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया था इज एम आर वाज वर्ब, जब भी आए तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देना है, लेकिन ध्यान रखना है सब्जेक्ट क्या है। द वेस्ट पेपर्स यहाँ पर देखिए ये प्लूरल नाउन हो गया, ढेर सारे कागज है, ढेर सारे पेपर्स है, तो वाज की बजाय हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर वर, ओके। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन वाज के बजाय हमने वर कर दिया, क्योंकि वाज ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ वाज लगा था, लेकिन अब जो सब्जेक्ट बन रहा है वो ये वाला ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो अब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हम लगा रहे हैं, तो वर्ब हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, क्योंकि बीइंग हमें जोड़ना होता है। फिर बर्न, जलाने का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बर्नट, बर्नट लिख देंगे, उसके बाद बाई, और जो सब्जेक्ट है ही उसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा बाई हिम, ठीक है, बाई हिम। बहुत खचर पचर हो गया यार, गंदी सी राइटिंग, हाँ आप सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वर दे पुशिंग द काउ, क्या वे गाय को दबा रहे थे, ओके। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर पहले आया है, तो हम जब चेंज करेंगे उसको पैसिव वॉइस में तो ये जो काउ है, द काउ ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखना है, लेकिन अब द काउ के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लिखेंगे। द काउ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें वॉज लगाना पड़ता है, तो वॉज हम लिख देंगे, और उसके बाद लिख देंगे द काउ, और इसके बाद हमें वॉज के साथ क्या लगाना होता है, बीइंग, ओके। टेंस में आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि जब किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होते हैं और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो एक शब्द हम पहले लिख देते हैं उसके बाद दूसरा शब्द सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ऐसा नहीं कि वॉज बीइंग या वर बीइंग पहले लिख देंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वॉज हम पहले लिख देंगे फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग, ठीक है। तो बीइंग हमने जोड़ दिया क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस टेंस था, उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पुश, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पुश्ड, ओके। और बाई सब्जेक्ट जो था दे, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे देम, ये हो गया, ठीक है। तो वाज द काउ बीइंग पुश्ड बाय देम, क्या गाय उनके द्वारा दबाई जा रही थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, सोहन ने मुझे दिया, यानी मी ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ए पेन ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों तरह से, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हम ए पेन को बनाएंगे सब्जेक्ट तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए पेन ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद देखिए ये टेंस कौन सा है, गेव मी मुझे दिया,
मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है सब्जेक्ट के बाद, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगला टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज या वर्ब। ए वर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज लग गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। ए पेन वाज गिवन, और मी से पहले तब हमें टू लगाना पड़ेगा, टू उसके बाद लिखेंगे मी, उसके बाद बाई लिख के ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे सोहन, ठीक है। बात समझ में आई? ए पेन वॉज गिवेन टू मी, मतलब एक पेन मुझे दी गई बाय सोहन, सोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा मुझे एक पेन दी गई। या फिर अगर हम मी, ये जो मी है इसको, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, इसको भी तो सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो इसको अगर हमने सब्जेक्ट बना लिया तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और फिर आई के साथ भी वॉज ही लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवेन यही रहेगा, ए पेन वॉज गिवेन, सॉरी आई वॉज गिवेन ए पेन, तब यहां पर टू नहीं लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे बाई सोहन। बात आई समझ में? चाहे आप ये लिख दीजिए ए पेन वॉज गिवेन टू मी बाई सोहन, यानी कि एक पेन मुझे सोहन के द्वारा दी गई, चाहे आप ये लिख दीजिए आई वॉज गिवेन ए पेन यानी मुझे एक पेन दिया गया बाई सोहन, सोहन के द्वारा। दोनों का मतलब एक ही है, एक्चुअली तीनों का मतलब एक है, सोहन गिव मी ए पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देखिए हिम ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक को सब्जेक्ट हम बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हम हिम को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही, और ये क्या है टीच, आई के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो ही के साथ इज लगेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इज टॉट, और उसके बाद इंग्लिश, और फिर बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाई मी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट बना लेते तो ये हो जाता इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट यानी इंग्लिश पढ़ाई जाती है टू हिम। अब मैंने आपको क्या बताया था, टू हिम, जैसे टू मी यहाँ पर हमें लिखना पड़ा था, वैसे टू हिम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बाई हिम, ठीक है। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है ही लाफ्ड एट मी। अब देखिए लाफ्ड ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया गया, तो वह मेरे ऊपर हंसा। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एट को जोड़ने के बाद, एट प्रीपोजिशन को जोड़ने के बाद लाफ एट, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। तो इस कंडीशन में जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इस प्रीपोजिशन को उस मेन वर्ब के साथ ही रखेंगे, यानी ही लाफ्ड एट मी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, ये जो मी है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज आता है, आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉफ्ट पहले ही लिखा हुआ है, उसके साथ जो प्रीपोजिशन लिखा है उसके साथ ही रहेगा हमेशा, आई वॉज लॉफ्ट एट, और उसके बाद बाई हिम, ये हो गया, ये जो सब्जेक्ट ही था उसको हमने ऑब्जेक्ट हिम बना लिया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अगर सब्जेक्ट के साथ कोई लगा है तो उसको उसके साथ लगा ही रहने देंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आप बताइए, क्या अब आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना आया या नहीं आया? अगर आ गया है आपको अच्छी तरीके से समझ ये वीडियो और आज का ये जो सेशन, तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।